For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. जब भी बिग बॉस का नाम आता है तभी सलमान खान का नाम आता है और कहीं ना कहीं हर साल जब बिग बॉस आता है तो कौन कौन कंटेस्टेंट्स होंगे, क्या क्या यू नो रूल्स होंगे, क्या क्या डिफरेंट इस बार चीजें होने वाली है, उसके साथ साथ एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट आती है सामने, वो ये होता है कि किस कंटेस्टेंट को कितना प्राइज मिल रहा है। और हर बार कंटेस्टेंट के साथ साथ ये भी सामने आता है कि सलमान खान क्या अमाउंट चार्ज कर रहे हैं। वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहक और लेकर आ गई हूँ आपके सामने ये अमाउंट जो कि सलमान खान चार्ज कर रहे हैं इस सीजन के लिए। जी हाँ, कहने के जब सीजन शुरू हुआ था दोस्तों तब हमें ये कहा गया, हमें ये सुनने में आया था कि सलमान खान जो है वो इस सीजन के लिए 280 करोड़ समथिंग यू नो चार्ज कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे सीजन एक्सटेंड होता गया है, एक्सटेंशन के बाद अब ये रिपोर्ट्स आ रही है जहां पर ये बात कही जा रही है, सोर्सेस के अकॉर्डिंग ऐसा कहा जा रहा है कि सलमान खान जो है वो इस सीजन के लिए 300 करोड़ का बंपर बजट चार्ज कर रहे हैं। जी हाँ, सलमान खान इस सीजन के लिए 300 करोड़ का हैवी अमाउंट चार्ज कर रहे हैं। नो मैटर, बिकॉज कहीं ना कहीं सलमान जो है वो भी बहुत ज्यादा अपना इनपुट देते हैं शो को और वही शायद वो वापस भी ले रहे हैं। कहीं ना कहीं ये शो मेंटली बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग हो जाता है लोगों के लिए और जब आप देख रहे हैं शो को तो वो और भी ज्यादा आप इन्वॉल्व फील करते हैं शो में, और जब आप उस शो का पार्ट है, उस शो के होस्ट है, तो फिर आपका इन्वॉल्व होना और भी बन जाता है। और कहीं ना कहीं सलमान खान इज द फेस ऑफ बिग बॉस, जिसकी वजह से लोग काफी ज्यादा देखते भी हैं बिग बॉस, तो सलमान की सारी जो मांगे हैं वो भी जायज हो जाती हैं कहीं ना कहीं, और सारे कंटेस्टेंट्स को संभालना कोई आसान बात नहीं है जो कि सलमान खान ही कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सलमान का ये 300 करोड़ का बम्पर अमाउंट चार्ज करना वैलिड है, ऐसा हमें लगता है। आपको क्या लगता है ये आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ।